हर 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 बस अल्लाह अकबर नहीं चलेगा। ये गलत है, ये गलत है। राम राज्य पे तो आप सहमत है ना, या उसमें भी कुछ अल्लाह राज्य वगैरह कुछ? ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है। ये देखिए ओबीसी आ गया मेरे हर इंटरव्यू में, ओबीसी की एंट्री। आप कोई भी चलते चलते देखिए, जैसे उसका नाम आ जाए। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ, क्योंकि ईमानदार होते हैं। ये तो वफादार नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो कुत्ते आ गए। सोने का भाव 200 रुपया तोला था, 12 ग्राम का सोना, 12 ग्राम आते थे। 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आ जाता था, आज दिलवा दो हमको। नहीं, ये तो देखिए, ये लॉजिक होगा, लॉजिक रखने के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये इससे ताली भी मिलेगी। नहीं नहीं, लेकिन है, ये नहीं हो नहीं सकता। आप भी जानते हैं यहाँ पे भी बहुत है जो उससे कन्वर्ट हुए हैं, बहुत है। आप पैसा में थोड़ा उनको बहुत है, यही मिलेंगे आप तो, उनकी भी घर वापसी कराएंगे। अच्छा है, सब एक संस्कृति में रहेंगे। अगर ये इस काम पर काम कर देते तो कोई दिक्कत थोड़ा थी, तो अभी भी करेंगे हम मिलके करेंगे। करो करो घर वापसी, अगर हो क्या नुकसान है? अगर कोई आदमी गया है तो अभी तो सकता है ना, बिल्कुल क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। अगर अभी जो भी कारणों से मतभेद है वो खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो वो जरूर नहीं आपको फिर हरी टोपी पहननी पड़े। अल्लाह अल्लाह, वो जो आलू का जो किसान है वो बर्बाद। आलू कहते समय भी अल्लाह मुंह में आ रहा है, ये गड़बड़ ऐसा होता है। देखिए अब आलू कहने के लिए भी अल्लाह मुंह में आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान की, और आज आप देख रहे चलते चलते। आज का चलते चलते कुछ खास है। देश के एक नए बड़े नेता हमारे साथ है, जिनके साथ हम चलते चलते करने आए हैं, और चलते चलते का स्थान है किसान क्रांति गेट। आज हमने तय किया कि क्यों हम मन में कोई बात लेके जाए, खुली बात करें, और इसलिए आज हमारे साथ देश के एक बड़ा सेकुलर चेहरा भी है, किसान नेता भी कह सकते हैं, टिकेत जी हमारे साथ है। नमस्कार साहब, नमस्कार। वैसे कुछ लोगों को लगा कि आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं तो आपके साथ क्या चर्चा होगी, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं तो पुराना साथी हूँ। मुजफ्फरनगर दंगे में सबसे पहले अगर कोई आपके साथ खड़ा हुआ था तो सुदर्शन चैनल हुआ था, और भारत में किसी चैनल पर अगर नोटिस पहली बजाई थी सरकार ने, तो मेरे ऊपर बजाई थी, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। और सब लोगों को ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान में सुदर्शन जब से आया है तब से हमारी जितनी किसान, मतलब कोई भी भारत सरकार के साथ की कॉन्क्लेव हुई है, उन सारे कॉन्क्लेव में या तो आप रहे या हमारे आपके प्रतिनिधि रहे, तो आज हमने सोचा कि हम एक पॉजिटिव वे में ये विषय किसानों के हित में कैसे समाप्त हो सकता है, इसकी चर्चा आपके साथ करें। जरूर करवाना चाहिए, तो चलते हैं अभी। जरा लोगों को गांव भी दिखाई दे और आपकी आपकी प्रतिक्रिया भी पता चले, तो ये कैसे कैसे ये होगा, आगे क्या होगा। आप बीच बचाव करवा दो हमारा, हमारे सिंह फंस गए सरकार के हमारे। हाँ, तो वो कहीं ना निकलना चाहिए ना, ईगो आड़े नहीं आना चाहिए। नहीं, ईगो नहीं। किसान के तो फसलों का रेट का सवाल है, सरकारों को अपने व्यापारियों को फायदा देना है कि किसान से सस्ते में फसलों को लूटो, व्यापारियों को दो और जनता को महंगे में बेचो, सरकार का ये मकसद है। अपने जो नए उनके साथी आए हैं उनको कैसे लाभ दोगे, ये उसी के लिए कानून आए, उसी के लिए MSP गारंटी हम चाहते हैं, वो गारंटी हमको नहीं मिल रही। और किसान अपनी फसलें आधे रेट में बेचता है, हमने कहा कि जो सरकार का भाव है, जो MSP भारत सरकार तय करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको हमको गारंटी दे दो कि इसके कम पे खरीद नहीं होगी, वो बाजार खरीद दे या सरकार खरीद दे। किसी को व्यापार कर रहा है उसको ये लगता है कि मुझे ये बिजनेस करने में नुकसान है, मत करो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन सरकार ये कह रही है ना, हमने जितना खरीद सकते होंगे उतना खरीद देंगे और सस्ते में आपका लूटेगा, तो ये कंडीशन। देखिए, मैं अपना पक्ष रखता हूं, मैं तो चाहता हूं, आप तो दुगने पैसे मांग रहे किसान को, मैं तो कहता हूं कि 4 गुना मिले, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मेरे ससुर किसान, मेरे मामा किसान, मेरे भाई के भी तरफ के किसान, कोई उसमें हज नहीं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर अगर वो बात होती है तो फिर, क्योंकि खरीदने वाला भी तो अपना आदमी है, जो फाइनली जो खरीदने वाला आम व्यक्ति है, मैं बिचौलों की बात नहीं कर रहा, वो भी हमारा है, तो कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकल सकता क्या? हमने अभी मार्केट रेट नहीं मांगा, हमने जिस हिसाब से दूसरी वस्तु की कीमतें बढ़ी वो नहीं मांगा, हमने वो मांगा। तो आप पुरानी व्यवस्था पर सहमत हैं जो पहले से चल रही थी?
उसे करवा दो, उससे तो बढ़िया काम है। क्योंकि आप तो कह रहे थे इस व्यवस्था को बदलो, हम ये कह रहे कि वो करवा दो तो उससे तो बढ़िया काम ही कुछ नहीं। 1967 में पहली बार देश में गेहूं की खरीद हुई, वो 76 रुपये क्विंटल भारत सरकार ने रखी। सोने का भाव 200 रुपया तोला था और 12 ग्राम का सोना, 12 ग्राम आते थे। 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आ जाता था। आज दिलवा दो हमको, नहीं ये तो देखिए ये नहीं होगा। लॉजिक रखने के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये इससे ताली भी मिलेगी। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन ये नहीं हो नहीं सकता, आप भी जानते हैं। हाँ, C2+50 वाला जो फार्मूला है, जो भारत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा, स्वामीनाथन की एक कमेटी बनी थी, उसने एक फार्मूला दिया था कि किसानों को लाभकारी मूल्य देगा और जितना उनका खर्चा होगा उस पर 50% जोड़ कर दे देंगे, वो दिलवा दो। तो वो भी नहीं बार चर्चा हुई है, वो तो कह रहे हैं कि हम तैयार है, बस कानून वापस लिए बगैर जो हो सकता है वो करना है, तो क्या फर्क पड़ता है इधर से खाओ या इधर से खाओ? नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, कानून अभी लागू नहीं है। मध्य प्रदेश उन्हीं की सरकार है, 177 मंडी बेचनी निकाल दी। अगर कानून ठीक होते तो बिहार का किसान तो बहुत फायदेमंद होता, वहां की मंडी 16 साल से बंद होगी, वहां की मंडियां, तो वहां का किसान तो बहुत प्रोग्रेस कर गया। नहीं तो कौन बंद करना चाह रहा है मंडी? सरकार नहीं, कानूनों में ही तो ये मुझे तो नहीं लगता, और हम खिलाफ ही इसके। आप खिलाफ हो तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ, पूरा दस्तावेज भेज दूंगा। वहां की मंडियां इन्होंने बंद कर रहे हैं अब ये, ठीक है, मंडियां बंद कर रहे हैं, और वे मंडी जो खाली जगह उनकी थी कि मंडी में जो जगह है उसको हम बेचेंगे, अब मध्य प्रदेश के प्रस्ताव चले गए, ये धीरे धीरे मंडियां बेचेंगे। खैर मतलब मैंने ये तय किया कि आज के इंटरव्यू में जो बात होगी उसका मैं सरकार से भी फॉलोअप करूंगा। जैसे आप अभी मध्य प्रदेश का कह रहे हो तो हम शिवराज चौहान जी को ये प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर क्या है आपको? नहीं वो पूरा दस्तावेज दूंगा। हाँ मतलब हम आपको एक मंच पे लाने का हमारा प्रयास रहेगा, ऐसा हो जाए और उसका समाधान हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। किसान अपनी 40 क्विंटल फसल 8 दिन तक लाइन में लगा रहता है, वो 40 क्विंटल अपनी फसल नहीं बेच पाता। एक व्यापारी 20,000 क्विंटल फसल खरीद के वो कहाँ बेचता है, वो मार्केट हमको भी बता दो। ये जो इन सब चीजों पे नियंत्रण होना चाहिए। देखिए पिछले दिनों जो लहसुन का हुआ, इंदौर और मालवा की तरफ लहसुन कितने में मिल रहा था और मार्केट में 1500 रुपए तक चला गया था, ये तो जहां पर भी कालाबाजारी होती है उसका विरोध होना चाहिए। यही तो है कालाबाजारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो चोर है उस चोर को पकड़ने के बजाय अगर ईगो के कारण राजनीतिक कारणों से टकराव होगा और कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, मतलब जो भी सोल्यूशन निकले हो सकता है 100% सोल्यूशन नहीं निकलता, 75% निकलता, लेकिन एक साल में वो 25% का लॉस हो गया ना। हमने ये कहा कि जो उनसे मामलों पे बातचीत नहीं हो रही, हाँ उससे अगले मामला ले लो, उसको छोड़ दो पेंडिंग। सरकार ने कहा कि नहीं पहले 3 ये कानून इन पे सहमति दो। अच्छा देश में पार्लियामेंट तो बड़ी चीज है, पार्लियामेंट में कानून बाद में, गोदाम पहले बनवा लिए इन्होंने, तो क्या कंपनी को ये पता था कि जो हम गोदाम बनवाएंगे और उसका हम कानून पार्लियामेंट में लेकर आ जाएंगे? मैंने आपके ये किसी इंटरव्यू में देखा था तो मैंने इसलिए इसका लाया, तो 1978 में भी गोदाम बने हुए हैं, वे तो दे दिए उसको अडानी को, तब तो ये कानून नहीं था। नहीं नहीं गोदाम में मतलब कानून पहले भी बने, नहीं नहीं एफसीआई के लिए थे। देखिए दूसरा क्या है, देखिए मार्केट रिसर्च होता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि नहीं नहीं एक भी गोदाम नहीं बना है, लेकिन आज जो प्रकार का मार्केटिंग का स्टाइल है उसमें रिसर्च पहले होता है, लोगों को पता होता है कि आने वाले दिन में ये फायदे की चीज़ है, अभी से निवेश करो, लॉन्ग टर्म निवेश लोग करके रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बनाए, सरकार तो नहीं बना सकती सब जगह पर, आप जानते हैं, शायद कुछ सरकारें बना भी पाए लेकिन बिहार जैसी सरकारें इस पर पैसे भी नहीं लगा पाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं बनाऊँ, अब अदानी अंबानी छोड़ दीजिए, सुरेश चौहान के बनाए और वाजिब दाम पर वो वहाँ पर रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? हमने ये कहा कि आप सस्ते में क्यों खरीदोगे, आप मार्केट तो दोगे ना, आप उस पर कानून बना दो कि MSP पे नीचे पे खरीद नहीं होगी। भारत सरकार ने कहा कि इसके नीचे पे अगर किसान फसल बेचेगा तो उसको नुकसान होगा, लेकिन 100% लोगों की फसल MSP पे खरीद हो सकती है क्या? आप उस पर कानून बना दो ना, भाई किसी को व्यापार करना होगा, अगर उसको चने में नुकसान होगा तो क्यों खरीदे वो सस्ते में?
ये है कि इससे नीचे पे अगर व्यापार करना होगा नहीं खरीदेगा, किसी आम आदमी को चाहिए उसका सौदा हो जाता है। और इसमें भी दो साल में रास्ता बैठ जाएगा अगर मार्केट सस्ता होगा तो। अच्छा, किसान बात आप कह रहे हैं, इस पे आपने कोई, क्योंकि आपके साथ सपोर्ट करने वाले और भी बुद्धिजीवी लोग भी है, क्या आप लोगों ने इसका कोई फाइनेंशियल वर्क फ्लो बनाया है सब कि कितने रुपए बनेंगे, कितने जाएंगे, लॉस क्या हो सकता है, सरकार को अपने जेब से कितने लगाना पड़ सकता नहीं लगाना पड़े, सरकार को एक रुपया नहीं लगाना पड़े। हमने ये नहीं कहा कि सरकार खरीद करेगी पूरे की, मार्केट खरीद करे, बाजार खरीद करे, वो उसके नीचे पे खरीद ना करे। क्योंकि क्या होता है कि जो व्यापारी हैं वो ये दिखा के जी ये तो खराब है, गिल्ला है, लाल दाना है, सस्ते में खरीद देगा, उसको MSP पे बेचता है फिर। और अगर कानून ये बन जाएगा कि MSP पे से नीचे कोई खरीद नहीं करेगा तो उसका सीधा लाभ किसान को होगा। बिल्कुल, मैं दर्शकों को ये भी बता कि जो दावा आप कह रहे हैं, मैं उस आंकड़े को सुदर्शन पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं, आपको कहने का अधिकार है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये टीके दे कहे कैसे रहे, तो मैं आपके साथ उसके विरोध में हूँ। लोकतंत्र है, आप 2 रुपये ज़्यादा मांग सकते हैं, सरकार 2 रुपये कम की बात कर सकती है, वो बात होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो बात व्यवहारिक हो ये कौन तय करेगा, क्योंकि आप आड़े हैं यही हो, सरकार भी आड़ी है। मैं नहीं कहता कि सरकार रोज़ आपके साथ चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर अब निकलेगा कैसे, बैकलॉग निकलेगा कैसे? सरकार कंडीशन लगा कर बात करती है, वो कह रही कि हमने कानून वापसी नहीं लेने और आप बात कर लो, तो इसका मतलब फैसला सुना दिया उन्होंने। मैं तो ये मानता हूँ कि जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर है ना, उनसे ज्यादा किसान होशियार होता है, और आप तो है ही, इसलिए तो होशियार के नेता आप बने हैं, और कोई बुरी बात नहीं है। तो क्यों नहीं कि हम ऐसा खाए, फिर दोहराता हूँ, और ऐसा खाने से अगर किसी का समाधान है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? वे कंडीशनल बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, थोड़े देर के लिए आप ऐसा कहते हैं कि हमें ये 3 कानून वाला ठीक है रखो, अंदर की हमारी प्रोविजन हमारे अनुसार होनी चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है ना, वे कंडीशन लगा, ऐसा करने से क्या होता है, लोगों को लगता है कि आप राजनीतिक दलों का एजेंडा चला रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। नहीं, राजनीतिक दलों का कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, राजनीति वाला कहाँ है, एक आधा कोई मिले तो भेजिए, हाँ हमारे तो टेंट वेंट सब फट गए, पहले तो आए BJP वाले भी आए पहले, यहाँ कंबल देंगे, टेंट देंगे, जब उनको पता चला लगा कि यहाँ दिख जाओ, एक दिन आगे थे यहाँ गाड़ी पे स्टिकर लग रहा था उनका, वे यहाँ पे सब्जियां लग रहे थे थार ने, तो भाग्य उस दिन से वे भी नहीं आते यहाँ, तो BJP वालों को भगा देते तो कैसे आएंगे, कोई नहीं आता यहाँ, वे भी नहीं आते, अब तो आना जाना सबने छोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस आपको मदद करे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं कर रही, नहीं, कोई आपत्ति नहीं, इसलिए मदद करे तो, इसलिए क्योंकि सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलेगा ना, तो विपक्ष के लोग मदद करेंगे, नहीं कर रहे मदद, और मैं तो कहता हूँ करना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद ये नहीं करेंगे, जो मिलता है अभी ले लीजिए, ये बाद में 1 रुपया नहीं देंगे। अगर किसान यूनियन के अकाउंट में अगले 25 साल के आंदोलन चलने का पैसा अभी जमा हो जाए तो सुरेश चौहान के आपके साथ 1 रुपया नहीं दे रहा कोई, तो लीजिए ये राहुल गांधी को मत छोड़िए, चार्टर फाइल लेके प्रवास करते हैं, सारे देने को तैयार है ना, लीजिए, हाँ खलिस्तानी से मत लीजिए बस, नहीं खलिस्तानी इस विषय पर हमारा विरोध है, भेजना उनको, खलिस्तानी से मत लीजिए, यहाँ कोई नहीं देता ना, यहाँ कोई लेता, ठीक है, यहाँ तो ये दाल रोटी अपने गाँव से चलाते हैं लोग, हम अगर गाँव में रहते तो रोटी तो घर पे भी खाते, हमारे जो हिस्से का हमने कहा है, हमारे जो खाने पर भी कुछ लोग कहते हैं ना, यहाँ पर बादाम बट रहे हैं, खजूर बट रहे हैं, तो मैं कहता हूँ क्या गलत है भाई, हमारे बांट दो यहाँ तो जो जिसको बांटना है, अगर क्या गलत है, अगर कुछ राजनीतिक स्वार्थ से भी क्यों ना हो, अगर किसानों को कोई बांट रहा है, आपका नहीं कह रहा हूँ मैं, बांट रहा है तो खाने दीजिए ना, हमारा किसान भाई खाएगा तो क्या नुकसान है, यहाँ आए तो नहीं कोई, अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कांग्रेस वालों का एलिगेशन लगाते हैं कि कांग्रेस वाले, अब कैप्टन कांग्रेस का उन्होंने कहे जी मेरे यहाँ आंदोलन, क्योंकि आप उनके उनके खिलाफ बोलते नहीं, किनके खिलाफ, पंजाब सरकार के, कानून पंजाब सरकार जाए क्या, कानून ये जाए का है, कानून नहीं, तो चुनाव राज्य में आप जा रहे हैं तो आप केवल योगी जी के राज्य में जा रहे हैं, BJP के राज्य में जा रहे हैं, लेकिन आप पंजाब में क्यों नहीं जाते, पंजाब में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, हम तो पूरे देश भर में जा रहे हैं, ऐसा नहीं, हम कर्नाटक गए, तमिलनाडु गए, हम अभी आंध्रा जाएंगे, अभी छत्तीसगढ़ जाएंगे 28 तारीख में, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन आपका गुस्सा BJP पे ज्यादा है, सरकार जब भी नहीं है, कानून तो ये लेकर आए ना, कानून तो BJP भी नहीं, सरकार अगर सरकार BJP की होती तो भी वह बातचीत कर लेती, सरकार तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है, इनके मंत्री को भी नहीं पता, आपको मोदी जी पर शक है, पूरा शक है, हाँ
पूरा शक है। देश का प्रधानमंत्री कभी किसानों से बातचीत नहीं करी, नहीं कभी किसान कोई मतलब केवल टिकेट जी ऐसा नहीं, हमने ना 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 और किसान बहुत हैं, कोई मसले हैं आप बैठ के किसी भी सब्जेक्ट पर बातचीत नहीं करोगे। इन्होंने घोषणा पत्र में नहीं कहा कि हम स्पेशल ट्रेन लेकर आएंगे और उसका पर्दा चादर कंबल तार के उसके रेट भी बढ़ाएंगे। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया प्राइवेटाइजेशन कर कर के, मुझे क्या लगता है यही गड़बड़ हो जाती है। होता क्या है कि आप किसान आंदोलन में हैं, हम कंज्यूमर भी हैं। नहीं नहीं देखिए, आप अभी या तो किसान बन के आंदोलन करिए या कंज्यूमर बन के करिए, क्यों ना करें। मेरा ये कहना है कि भाई ट्रेन है, जिसको नहीं बैठना नहीं बैठेगा, कहां जाएगा, महंगा लगता है कहां जाएगा। हम एक साथ दो भूमिका क्यों निभाए। अभी किसान की समस्या का समाधान हो ऐसा मैं चाहता हूँ। नहीं नहीं, सारा समाधान साथ को, साथ फिर तो आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसा राजनीति कहाँ कर रहे हैं। मैं कोई इलेक्शन लड़ रहा नहीं, लड़ेंगे ना, परिवार से भी नहीं लड़ाएंगे। परिवार का क्या बता भाई, मुझे कौन का हजार लगे। अरे नहीं, हम आपका पूरा कंट्रोल है, अपनी जिम्मेदारी हम लेके हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मतलब परिवार का कोई लड़ सकता है, हमें नहीं पता परिवार का क्यों, हम कहाँ ये गारंटी ले। अच्छा, आपको क्या लड़ने में दिक्कत है। मतलब इसमें भी मेरा समर्थन है आपको कि आप लड़िए ना, किसानों का नेता कोई चुनाव लड़े जीते मंत्री बने मुख्यमंत्री बने, कुछ क्या नुकसान है। नहीं नहीं, हम तो ये कब तक किसान केवल राजनीतिक लोगों के नारे लगाते हैं। हम नहीं, किसी के नारे लगते हैं यहाँ पे, यहाँ किसी के नारे नहीं लगते। विरोध में तो लगते हैं ना, किसी के पक्ष में भले ना लगे, लेकिन ऐसे नारे लगते हैं कि उसका फायदा किसी ना किसी को हो ही जाता है। नहीं, किसको, आप इशारा बताओ ना, किसको फायदा हो जाता है। और कांग्रेस को हो रहा है भाई, नारे भी सरकार बताई। यूपी में आपने किसान की जो पंचायत की, उसका सेंट्रल आइडिया गन्ना था। मैं अभी आते समय गन्ने के रेट देख रहा था और जो पेमेंट देख रहा था, तो अखिलेश सरकार ने 14 से 17 में 57,000 करोड़ का पेमेंट किया। योगी सरकार ने तो 1,22,000 करोड़ का पेमेंट किया। ये जो झूठे आंकड़े सबको दे दिए, ये आंकड़े झूठे हैं, मैं बता रहा हूँ। जिसने ये आंकड़े बताए कि ये प्रेस को भी दे दिया और देश के प्रधानमंत्री को भी झूठ बुलवा दिया, उनको कम से कम 2-2 साल की सजा करवाए दोनों। बिल्कुल, दो नहीं, उनको आजीवन होना चाहिए। अगर ये आंकड़े सरकार के झूठे तो आजीवन होना चाहिए। एक बात बताओ, 2 साल क्यों। एक मुझे बता दो, योगी सरकार ने 1 रुपया बढ़ा नहीं भाई, रुपया बढ़ेगा जब भी तो भुगतान ज्यादा होगा, रुपया बढ़ा दे भुगतान ज्यादा होगा। जो बैकलॉग था वो भी उन्होंने दिया, जो पिछला पेमेंट करना था। गलत चीज कुछ नहीं करा। गन्ना का कहना है कि पैसे नहीं दिए। गन्ना कानून ये कहता है, जो गन्ना एक्ट है, कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा। 14 दिन में कितने दिन, 14 दिन में भुगतान, पिछली सरकार कितने दिन में करती थी। 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो उस पर इंटरेस्ट देंगे हम। ये पहले वाली सरकारों में भी यही था, आज वाली सरकार में भी यही है। कानून था, दे कब रहे थे, मतलब अखिलेश सरकार कितने दिनों में दे रही थी। कानून तो 14 का है, पहले दे देती थी कुछ। मायावती कुछ उससे और पहले देती थी। जितना लेट होता जा रहा वो सबसे लेट होता, इस सरकार में हुआ है, इस सरकार में और लेट हो रहा है। अगले वाली किसकी आएगी, वो और ज्यादा लेट करेगी क्या, तो वो एक अलग चीज है। चलिए, हम साथ में स्क्रीन पर ये आंकड़े भी चलाएंगे, सरकार क्या कहती है, जिससे कि हम दोनों लोगों का अपना पक्ष रखने का मौका दें। अब बात आती है कि फिर मैं वही आ रहा हूं कि किसान आंदोलन तक सीमित रहे, ये अच्छा है। नहीं, हम कंज्यूमर नहीं क्या? नहीं नहीं, मतलब इसमें अल्लाह हु अकबर का नारा, इसकी क्या जरूरत है। दूसरा भी बोल लो, आप क्या कहा था? हरे महादेव। तो ये, लेकिन ये दोनों नारे एक समान नहीं है ना। क्यों नहीं है, ये देश के संविधान ने, अल्लाह हु अकबर असंवैधानिक नारा है। क्यों, सुदर्शन पे नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह हु अकबर का मतलब होता है अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। हम कहते हैं आप जय अल्लाह कहो, अल्लाह हु अकबर। ये भाई अल्लाह महादेव से बड़ा कैसे हो गया। हमने ये कहा है, आप मुझे बताइए, स्वर्ग से टिकेट जी देख रहे होंगे तो उनको उनको भी अल्लाह महादेव से बड़ा अल्लाह लगेगा क्या। ये कह रहे हैं कि देश के संविधान में हमको धाराएं दी, उसमें कानून बनाया और उसमें कहा कि सब लोगों को पूजा पद्धति करने का सबका अधिकार है। लेकिन अल्लाह अकबर नहीं, हरे महादेव और उसी बराबरी का अल्लाह का नारा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही तो लग रहा, जय अल्लाह कहिए ना, वही तो कह रहे हैं। नहीं, अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह
मुझे अल्लाह से दिक्कत नहीं है, अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है, इससे मुझे दिक्कत है। सुदर्शन चैनल कम से कम पहली बार तो ये कहा कि मुझे अल्लाह से इतराज नहीं है, नहीं आपने तो कभी कहा ही नहीं। मैं मतलब जो लोग मेरे दर्शक या कई लोग देख रहे हैं, हमें अल्लाह से क्या मतलब है, और एक यीशु भी सही, हमें किसी एक को सर्वश्रेष्ठ कहने में दिक्कत थी है और सबके सामने कह रहा हूँ, महादेव से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो उसी का तो भक्त हूं, ये पैरता हूं और उसका आपको उल्टा नुकसान क्या है, माला दिखा रहे, माला दिखा रहे, मैं तो रुद्राक्ष पहनता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओम का वो नहीं, मैं देख रहा था चांदी है सोना है या प्लैटिनम है। ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये देखिए, ये देखिए, ओम पहन रहे हैं, पहनता हूँ। अच्छा, ये ओम में त्रिशूल है क्या, सब चीज क्रॉस है, क्रॉस है क्या, त्रिशूल है, त्रिशूल है, त्रिशूल। ओम में क्रॉस कैसे पा जाएगा, नहीं आप तो मिला सकते हैं क्योंकि आपने दोनों को एक ला दिया है, ये हमारी इस पे आपत्ति है और खुली आपत्ति, हम तो कुछ आपकी हो सकती है आपत्ति, नहीं बाकी की भी होनी चाहिए। आप ये मानते हैं ना कि महादेव से बड़ा उससे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, हम ये भी नहीं कह रहे कि अल्लाह से बड़ा किसी को कहो, हमारा कहना है महादेव से बड़ा कोई नहीं है, तो फिर नारा चेंज करिए ना, नारा चेंज, ये नारा पिछले 35 साल से लगता है, गलत गलती चली आ रही, तो क्यों आगे बढ़ाए, ये नारा रूटीन में लग रहा है पिछले 35 साल से। आज तक आपको ऐसा कोई मिला नहीं जिसने आपको इसका अर्थ बताए, अभी मैंने अर्थ बताया। भाई आपने जरूर पढ़ा होगा, सारी चीजें पढ़ी होगी, तो आप बता रहे हो। नहीं, ये तो हमारा विषय आप जानते ही है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अगले सभा में अल्लाह जय कहे चलेगा, अल्लाह अकबर ना कहे, इसमें आपका नुकसान भी हो गया। कई लोग आपके जो साथी है वो हमको कह रहे, जैसे आज मैंने ट्वीट किया कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो आपके संगठन के लोगों ने कहा, सुरेश जी क्योंकि आप तो टिकेत जी से प्यार से बात करते हैं, हमको पता है, तो उनको जरूर बताए कि अल्लाह अकबर अगले मंच में ना लगे। देखिए यहाँ भी कई लोग मुंडी हिला रहे हैं, नारे, ये नारे टिकेत साहब के टाइप पर लगते हैं, हम देश को जोड़ने का काम। हाँ, लेकिन टिकेत साहब ज्यादा होशियारी करते थे, आप में कई गुण नहीं आए टिकेत साहब के। देखिए टिकेत साहब एक तरफ अल्लाह अकबर का नारा लगाते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी जाट की बेटी को किसी ने हाथ लगाया तो फिर छोड़ते भी नहीं थे। नहीं, वो तो आज भी है, कोई किसी तो आज आप नहीं, आज या किसी भी लड़की को क्यों छेड़ देगा, वैसे तो किसी को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी में किसकी लड़की को पकड़ना है, इसमें है। नहीं नहीं नहीं, अगर अभी देखो हमको संविधान में देश में राइट दिया है, प्रायोरिटी नहीं, लड़कियां बेटी सब बराबर है। नहीं, वहाँ रेट है ना, जाट की लड़की 7 लाख, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, जैन की लड़की, नहीं 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 नहीं, लव जिहाद में रेट है, नहीं नहीं नहीं। अच्छा छोड़ दीजिए, गलत चीज, कोई बात नहीं, हम सहमति की बात नहीं करते, असहमति की छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि क्या जो शौर्य पराक्रम और जो चीजें आपने 13 में दिखाई थी, मैं नहीं कहता दंगे दोबारा होने चाहिए, लेकिन पुनः ऐसे किसी हमारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो राकेश टिकेत जी का वही रूप पुनः दिखाई देना चाहिए, ये आशा हमें बाकी। नहीं तो क्यों करेगा कोई किसी लड़की अगर करे तो ना, भाई वहां पर नईमा का आंदोलन, उस लड़की का अपहरण हुआ नईमा का, 89 में वहां 40 दिन तक आंदोलन चला, लड़कियां किसी मुसलमान लड़की का भी नहीं हो, गलत चीज़ हम बिल्कुल, आप हम लाइन पे ले जाना चाह रहे हो, नहीं जाएगा ये देश, यहाँ पे लड़कियां बहू बेटी सबकी बराबर हो, किसी भी जाति धर्म की हो, और हमको खाप पंचायत में सिखाया है, हम तो जाते भी है, अगर हमारे गाँव की वो किसी भी जाति की लड़की हो, उसकी ससुराल कहीं है, जब हम जाते हैं तो हम उसको 2 रुपया 5 रुपये 10 रुपये जब बरात में कहीं जाते थे या किसी गांव में जाते हैं, आज भी हम देख आते हैं। हम भी शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम भी शिवाजी महाराज के वंशज हैं, शिवाजी महाराज के सेना में किसी ने गलती से लड़की लाई थी, उन्होंने क्या कहा, यह आशीर्वाद हमारी माँ होनी चाहिए। शिवाजी महाराज का सिसोदिया से डायरेक्ट संबंध था, बिल्कुल, और इसलिए हम आपसे हमारे परिवार का संबंध, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं खाप पंचायतों के विरोध में सारे चैनल आप जानते हैं, लेकिन खाप पंचायतों के समर्थन में किसी ने शो किया होगा तो मैंने किया है, तो क्योंकि हमारी पुरानी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था खत्म हो ऐसा विदेशी शक्तियां चाहती है। वो शक्तियां आपके कंधे का उपयोग फिर हमारे खिलाफ ना करें, ये भी हो बस। एक आदेव किसी को भेज दियो, यहाँ तो इंतजार कर रहे हैं हम ही उन पर चट्टी करेंगे, आप भेज दो, ये राइट टाइम है, आप भेज दो उनको, इनसे लेना चाहिए। अरे आप उनका उपयोग नहीं होना चाहिए, आज रहा कोई यहाँ पे कोई नहीं आता। नहीं, लोगों को क्या लगता है कि आपका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड हो गया, उस पर इतने लोग आ रहे हैं, हमने तो वो भी तो वही ना, आपको पता नहीं कौन आपका ट्विटर हैंडल चलाता है, ये ज्यादा डेंजर है, वो नहीं होना चाहिए, वो आपने चलाना चाहिए, आपका स्टाफ चलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा चला रहा है तो ये तो गलत है, उसने वेरीफाइड भी करवा दिया। कोई भी वो होती है, वो पूरी पोस्ट हमको बताते हैं पहले, ये है उसको हम फिर बताते हैं कि इस पर क्या डालना है आपको।
अच्छा, अब यूपी चुनाव की तरफ आते हैं, क्योंकि आप यूपी से हैं और यूपी में इतनी बड़ी बात होनी, योगी जी का क्या होगा, योगी जी को क्या टिकट जी हराएंगे, ऐसा लोगों के पास प्रश्न है, क्या फॉर्मूला है, क्या नाराजगी है? योगी जी से क्या नाराजगी हमारी, हम तो उनका प्रमोशन चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री बने। आप चाहते हो प्रधानमंत्री? क्यों ना चाहते, भाई सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे तो प्रधानमंत्री बने। स्टेट में हराएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? 22 में तो 22 में जितवाएंगे तभी तो बनाएंगे ना। इनको तो राष्ट्रपति बना दो, इनको मोदी जी को, अरुण को प्रधानमंत्री बना दो, 22 में दोनों का काम हो जाएगा। अच्छा, और क्या दिक्कत है? या सीएम कौन बन जाए? बढ़ जाएगा, यहाँ तो सीएम की लड़ाई क्यों लड़े जोगी जी, बड़े हुए होंगे तो। उस केस में आप बीजेपी में आके सीएम बनेंगे? हम नहीं बनते, हमें कहीं नहीं जाना, हमारे भरोसे कोई ना रहे। क्यों? हम कहीं नहीं जाते। योगी जी क्यों नहीं बनने चाहिए? नहीं, क्या है देखिए, ऐसा लोग मानते हैं, मतलब हम भी अभी उत्तर प्रदेश में 17 साल से रह रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कुछ तो अच्छा किया है, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा किया, चलिए कोई बात नहीं, 100% कोई सहमत नहीं होना, कुछ तो अच्छा किया होगा। हाँ, कर ही रहे, अपने तरीके से सब अच्छा ही करूँ जा। ये बहुत सावधानी से उत्तर उपयोग उत्तर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से, राजनीति मत रखिए ना। नहीं, राजनीति किसान जैसे एकदम शुद्ध मन का होता है, शुद्ध मन। आप कहिए हाँ, कई चीजें योगी ने अच्छी की, क्या करी वो बताओ आप, मैं फिर उसका जवाब दूंगा। तो मतलब कुछ भी नहीं किया ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? उन्होंने करा क्या है? देखो, बिजली का रेट सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में, गन्ने का हमने तो कहा कि योगी जी को अगर गद्दारों को इनकाउंटर कर करके ऊपर भेज रहे, ये कोई कम काम है, ये बहुत बड़ा काम है, बड़ा कई लोग सहमत हो गए इससे, ये अच्छा काम है। नहीं नहीं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं तो उसको कौन मना कर रहा है, लेकिन हमने ये कहा कि योगी जी को अगर नंबर एक पाना है किसानों के, उसमें तो गन्ने का अगर वे 85 रुपए से ऊपर बढ़ाएंगे तो नंबर एक पाएंगे, 40 रुपए से ऊपर बढ़ाएंगे नंबर दो पाएंगे, 40 रुपए से नीचे जाएंगे नंबर तीन पे जाएंगे, अभी तो वे 0 पे है, तो अपना उन्होंने फैसला अपने आप उनको करना, ये बता दिन में निर्णय होने वाला है। 40 के आसपास उम्मीद है कि बढ़ाएंगे तो वे बीच में लटकना चाहेंगे, तो अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे तो वे अगर 80 से ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे कि योगी जी ने भाई अखिलेश, तो आप प्रचार हम तो कह देंगे, योगी का प्रचार हम तो कह देंगे, हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं। निशंक इनका मुख्यमंत्री था, उसने उत्तर प्रदेश से 10 रुपए गन्ने का रेट ज्यादा रखा, तो टिकैत साहब हमेशा कहते रहे भाई निशंक ठीक कर रहा काम, योगी जी ठीक करेंगे तो हम कह देंगे। नहीं नहीं, रेट पे तो मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह वो मैं आपके जो साथ हूँ। गन्ने का मामला है, आलू का जो किसान है वो आपको आलू कहते समय भी अल्लाह मुंह में आ रहा है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ ऐसा होता है। देखिए फिर अब आलू कहने के लिए भी अल्लाह मुंह में आ रहा है, जो आलू का किसान है वो बर्बाद है और जो दूसरी फसलें किसान उगाता है वो भी बर्बाद है, उसमें भ्रष्टाचार यहाँ पे बहुत हो गया। योगी जी को अपनी मॉनिटरिंग करनी चाहिए वहाँ पे कि उनके नाम पे उनके ही नेता बीजेपी के विधायक कुछ और जो उनके सिप पे सलार हैं वे अकेले रामपुर का, हमने एक डाटा उनको सरकार को दिया, 11,000 लोगों के फर्जी अकाउंट बनाए, उनके नाम से सस्ते में फसलें खरीदी और महंगे में बेची, जो धान वहाँ पे पैदा भी नहीं होता वो बिहार में पैदा होता है। तो इस पे क्या हुआ? उस पर हुआ कुछ नहीं अभी, ये तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी मैं चाहिए। आपके पक्ष में हूँ, आप मुझे इसके कागजात दीजिए, हम योगी जी को कहेंगे कि ये कागजात इस पे कार्रवाई क्यों नहीं, अगर ऐसा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा घपला। मतलब देखिए, कोई गलत चीज का समर्थन का कोई कारण नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि केवल राजनीतिक कारणों से विरोध ये ना होना चाहिए। हम राजनीति नहीं करते, हम तो राजनीति करते ही नहीं। नहीं, आप करिए ना, राजनीति करना किसको बंद है, लोकतंत्र तो सबको छूट देता है। तो अब क्योंकि यूपी की बात हो रही है और यूपी में ओबीसी की भी एंट्री हो गई है, ओबीसी तो जहाँ जहाँ बीजेपी वाले जाते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव है, वो तो इनका गठबंधन है आपस का, ये गांव के लोग कहते हैं, सबको पता है कि ओबीसी जो है बीजेपी का चाचू जान है, ये गांव के लोग। मैं तो कहता हूँ वो आप उसके चाचू जान में, ना ना ना, क्यों नहीं है, हम नहीं। वो तो उसके उसके ये तीसरी पीढ़ी है, इसके पहले तो हिंदू ही था, उस हिसाब से टिकट तो उसके चाचा हुए, आपके पैर सुने चाहिए उसने। तो जो बीजेपी का चाचू जान है वो, और क्यों सम्मान ना दे? अच्छा चलो भाई, वो अच्छा चलो, मैं कहता हूँ राजनीति जो भी हो, रिश्ते में तो आप उसके चाचा लगते है क्या? नहीं, हम तो लगे क्या लगे, हमें तो पता नहीं, लेकिन आपका तो पैर बढ़ना चाहिए, बीजेपी का चाचू जान है उसको वही तो चीज ठीक लगनी चाहिए ना, जो किसी को जो शब्द ठीक लगे तो उसके बारे में वो कहना चाहिए। मतलब आपको डर है कि कहीं नहीं, नहीं, हमें अल्लाह अकबर से जो मुसलमान आपके पास आना चाहिए था वो इसी के पास जा रहा है। नहीं, हमें नहीं, हमें क्या को इलेक्शन लड़ना, किसको कहाँ जाना हो चला जाए, हमें कोई इलेक्शन नहीं। ये देखिए, मैं जहाँ भी इंटरव्यू करता हूँ वहाँ ओबीसी आ जाता है, ये देखिए ओबीसी आ गया।
मेरे हर इंटरव्यू में ओवीसी की एंट्री, आप कोई भी चलते चलते देखिए, जैसे उसका नाम आ जाए। हालांकि ये इनकी बदनामी, मैं इन दोनों की माफी मांगता हूँ, क्योंकि ईमानदार होते हैं। यहाँ आना तो सुअर नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो कुत्ते आ गए। वफादार होते हैं ये, वफादार होते हैं, पहरेदार होते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ओवीसी का तो जमकर विरोध करिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? हमें क्या मतलब किसी के विरोध सर उससे? लेकिन आप मान रहे हैं ना, आप उसके चाचा जान हैं। हम नहीं मान रहे, बीजेपी का चाचा जान है वो, तो उन दोनों का जो होगा उनका होगा। मैं कहता हूँ वो भी तीसरी पीढ़ी का मुसलमान है, तो इस हिसाब से तो आप उसके चाचा हुए ना। यहाँ पे भी बहुत है जो उससे कन्वर्ट हुए हैं, बहुत है यहाँ पे, आप पहचानोगे थोड़ा उनको? बहुत है, यही मिलेंगे आपको, तो उनकी भी घर वापसी कराएंगे। अच्छा है, सब एक संस्कृति में रहेंगे। अगर ये इस काम पे काम कर देते तो कोई दिक्कत थोड़ा थी? तो अभी भी करेंगे, हम मिलके करेंगे। करो करो घर वापसी, अगर हो क्या नुकसान है? अगर कोई आदमी गया है तो आ भी तो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नुकसान है आने में? नुकसान नहीं। अगर अभी जो भी कारणों से मतभेद है वो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए, तो वो जरूर नहीं आपको फिर हरी टोपी पहननी पड़े। वो सफेद में भी हो रहे, हरी टोपी तो किसान का प्रतीक है। अच्छा, ये किसान का है ये, मतलब कोई धार्मिक नहीं है ये? हाँ, ये धार्मिक नहीं है, ये किसान का वो है। लेकिन लेकिन इस एरिया को हरित प्रदेश बनाने का जो मांग था टिकेट साहब का, उसको तो अब लोग वो हरा किसानों वाला नहीं, इस्लाम वाला हरा मान रहे हैं। नहीं नहीं, इस्लाम का जो कलर है वो गाढ़ा हरा है। हाँ, और आपका फेंट है ये, तो ये तो मतलब थोड़ा कम कट्टर मुसलमान है। वो नहीं है, हम क्यों कट्टर मुसलमान होंगे? नहीं, आपका रंग, हम तो जातियां और धर्म हमारे संगठन में नहीं है। नहीं, धर्म तो एक ही है, बाकी तो मजहब है। मजहब है, इस देश के जितने भी चिंतक रहे उन सब ने कहा है कि गांव जब तक रामराज्य नहीं बनेगा तब तक तो देश रामराज्य नहीं, नहीं, नहीं बन सकता। रामराज्य पे तो आप सहमत है ना, या उसमें भी कुछ अल्लाह राज्य वगैरह कुछ शब्द निकाल दिया? आपने बिल्कुल ठीक बात कही। हाँ, हमारा जन्म स्थल जो है वो अयोध्या है। अच्छा, हाँ, तो राम भक्त है आप? राम भक्त नहीं, राम हमारे परिवार के थे। अच्छा, हाँ, राम हमारे परिवार के थे, राम रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी हैं, तो हमारा तो जन्म स्थल ही अयोध्या है। हमारा राम राम था, हम जब भी सुबह उठते थे तो हम राम राम करते थे, हल जोतते थे तो ले राम का नाम। ये जो कुछ पार्टियां आई बीच में, इन्होंने जय श्री राम कर दिया। तो उन्होंने ये कब कहा कि राम राम मत कहिए? जिसको जय श्री राम कहना है वो कहिए, जिसको सीता मैया कहिए वो कहिए। इन्होंने बदल दिया, इन्होंने तो हमारे घर में झगड़ा करवा दिया। क्या भाई, अब हमारे जो पशु हैं वे राम राम को जानते थे, एक बार ले राम का ना। अब उसने कहे के ले जय श्री राम का ना, वो भूल जा, चक्कर भूल जाता है वही। क्यों कह रहे हैं आप? कहिए राम राम, राम राम क्या और जय श्री राम क्या? इन्ने, इन्ने ये तो कुछ लोग इसको है ना पॉलिटिकलाइज करना चाहते। अच्छा, हम राम की नाम को, आप हम या कोई भी हिंदू राम के नाम को पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। वो राम राम कहिए, राम राम ही तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे वही, तो ये जय श्री राम कहते हैं। हमने कहा भी जो पुरानी परंपरा चल रही है आप उसको मत बिगाड़ो। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बिगाड़ना नहीं, नहीं, नहीं जय लगाना भी बिगाड़ना नहीं, जय लगा दिया वो हमारा, जय कहना है तो जय राम कह दिया। गांव का वो है, वो आज भी पूर्ण रूप से परंपरा ये है कि आपस में राम राम करते हैं। आपकी इस पूरी मांगों में कि गांव विकसित हो, ग्रामीण विकास के मुद्दे क्यों नहीं है? नहीं नहीं, सब क्यों नहीं, गांव ज्यादा समृद्ध हो, गांव में क्यों नहीं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे? और अगर वो पहुंचाना चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा तो आप आपत्ति ले रहे हैं, क्योंकि सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर कर नहीं सकती। मैं अगर वहां लगाने जाता हूं तो आप विरोध करेंगे? कोई विरोध नहीं कर रहा। तो फिर विरोध केवल अडानी और अंबानी का ही क्यों? नहीं नहीं, अडानी अंबानी का नहीं है, हमारा ये है कि जो सस्ते में किसान मजबूत कैसे होगा? किसान मजबूत ऐसे होगा जब उसकी फसलें ठीक बिकेगी, जब उसको दूध का रेट ठीक मिलेगा, जब होगा। ये नहीं है कि आप बाहर की कंपनी बुलाकर दूध को पूरा बर्बाद आप करोगे, दूध के किसान को, उसका जो वेजिटेबल्स का किसान है उसको भी लाभकारी, दूध में जो मिलावट हो रही है उसको पकड़ो। हाँ, ये तो मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, दूध की पूरी मिलावटिंग कोई कर रहा है तो पकड़ो, उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। उसके कौन पक्ष में है? जब ही तो दूध के किसान को भाव नहीं मिल रहा कि मिलावट होती है, बिल्कुल उसको पकड़ती नहीं। नहीं, मैंने कहा ना भाव पे हम आपके साथ हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि शुद्ध दूध इस बच्चे, हर बच्चे का अधिकार है, अधिकार है, और वो अधिकार पूरा होना चाहिए, फ्रूट सब उसका अधिकार है। यहाँ पे वेस्टेज बहुत होती है, तो कोई गांव के विकास का मॉडल बनाया कि ऐसा गांव होना चाहिए? बिल्कुल गांव के विकास का मॉडल। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्यों नहीं आप अभी जो भी चुनाव हो रहे उन राज्यों में जाकर अपना एक घोषणा पत्र देते
कि ये हमारी मांग है, जो पार्टी इसमें अपने घोषणा पत्र में इसको जोड़ना चाहे जोड़े। हम तो कह रहे हैं कि घोषणा पत्र सारी पार्टी जावे ना कि हम गांव के विकास करेंगे, हम हॉस्पिटल देंगे, हम सड़कें देंगे, हम स्कूल देंगे, तो बनाए नहीं है अपने घोषणा पत्र में डाल दे। लेकिन घोषणा पत्र में कुछ डालते हैं, काम ये कुछ करते हैं। भाई इन्होंने कहाँ कहा कि हम रेल बेचेंगे, हम वे ये जो कौन सी रेल बेची है, कौन सी रेल सारी बेच दी, कौन सी नहीं नहीं एक एक नाम ये देखिए, किसी को स्टेशन चलाने को कुछ वर्ष देना, बेचना नहीं होता तो लाल किला का क्या हुआ? नहीं कोई वो थोड़ा बेचा है क्या? अगर इस सरकार ने कोई संपत्ति बेची होती तो आपके पहले मैं खड़ा होता, ये भरोसा है ना आपको? है क्या भरोसा? अच्छा भरोसा है कि बैंकिंग नहीं बेच नहीं, इसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, इसको अच्छा, कहते हैं कि देखिए अभी अभी यहाँ पर ये जो जगह ये है, अगर कोई ये कहे कि यहाँ पर इतने 250-300 किसान रह रहे हैं तो ये किसान कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, इन चीजों का इतना व्यवसाय है, इसलिए इस जगह का साफ सफाई भी आप करो, लाइट भी आप लगाओ और यहाँ दुकान भी आप लगाओ, तो क्या नुकसान है? अभी तो आप तो फिर ये भी कहोगे कि जो एनएच है वो एक कानून ले आए ना कि एनएच के पास में कोई भी अब कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये ले आए ना, क्या नुकसान है? ये कानून ले आए ना, ये उसका भी आप विरोध करो ना। बिल्कुल 500 मीटर ये अधूरी जानकारी है। नहीं नहीं उल्टा हमारे इंटरव्यू में गडकरी ने ये कहा था कि हाईवे के बगल में बड़े बड़े हब बनेंगे कमर्शियल, जिससे किसानों का जो माल है वो हाईवे के कनेक्टिविटी में पास में आए और किसान अपनी कंपनी बनाकर वहां पर अपना गोडाउन बना सकता है, तो क्यों नहीं बनाता? देखिए मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत पुरानी है और वहां पर किसानों के बड़े बड़े गोडाउन है, शुगर मिल किसानों के हैं, सक्सेस चल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चलाते? नहीं कौन से किसान का शुगर मिल है? महाराष्ट्र में है ना, तो क्या रेट मिल रहा है वहाँ पे? यहाँ से तो अच्छा ही है। नहीं नहीं कहाँ है? यहाँ सब जगह है, बताओ आप उसको क्या? पूरे महाराष्ट्र में 170-180 रुपए तक मिला उनको रेट, और यहाँ क्या जो और दूसरा दूसरी किस्त आएगी फिर तीसरी आएगी, तो यहाँ कितना है? यहाँ पे जो सरकारें देती हैं अभी एक 325 रुपया है, तो फिर तो डबल है आपको। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ का भी नुकसान है। नहीं नहीं तो महाराष्ट्र के किसान से जब डबल पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे भी नुकसान, तो फिर तो महाराष्ट्र वालों ने कहना चाहिए यूपी जैसा रेट दे दो। बहुत स्टेट में ये जानकारी तो मुझे भी नहीं थी, ये तो इसका मतलब तो आपको महाराष्ट्र से डबल पैसा मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो ये स्टेट हैं इसको 280 रुपए के आसपास मिलता है। यहाँ पे कुछ जो इस साइड के जो है वहाँ पे ये बढ़ा कर देते हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देती है। जैसे यूपी 350 दे रहे हैं आपके? अभी नहीं दे रही, अभी कितना दे रही? 325 रुपए है, 350 दे रही, तो महाराष्ट्र में 170 और यहाँ 350। योगी का तो धन्यवाद करना चाहिए, 280 है, फिर भी ज्यादा है, कई कई फिर भी ज्यादा है। ठीक है जी, ये कह रहा कितना ज्यादा है देना चाहिए ना उनको? हम तो सबके लिए कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। अभी स्टेट की पॉलिसी उन्होंने इस तरह की बना रखी सब जगह की, यहाँ तो गन्ने की जो भी मुख्यमंत्री आया उससे कुछ ना कुछ बढ़वाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब भी तो हमने कह रहे हैं कि मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए अपने कार्यकाल में, अखिलेश यादव ने करीब 40-45 रुपए बढ़ाए, योगी जी अभी 0 पे है, तो इनको भी बढ़ाना चाहिए। दोनों से कमजोर बढ़ेंगे, दोनों से कमजोर बढ़ेंगे, मैं आया हूँ ना। हाँ तो बढ़ाओ, और अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो आप योगी का प्रचार करेंगे, ये भी आपने कहा है। जितने नंबर करेंगे जोन से नंबर पाएंगे उसी नंबर पर उनको देंगे, मतलब उन्होंने अगर 50 से ऊपर किया तो उनका दूसरा नंबर पाएगा, तो 51% से ज्यादा हो गया ना, उनका दूसरा नंबर पाएगा। आप संकोच करें योगी का समर्थन करने में, क्या सन्यासी आदमी है? देखिए योगी जी कोई अपने बाल बच्चों के लिए तो हमने तो कहा कि प्रधानमंत्री बने और क्या सपोर्ट चाहिए? वो कहना भी कोई अलोकतांत्रिक तो नहीं, नहीं ऐसा कई नहीं, लोगों को लगेगा कि मोदी जी नाराज होंगे या अमित शाह, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो राजनीति है, ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन आप योगी जी के नाम पर संकोच क्यों? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम संकोच कहीं करेंगे। हम बोलता हमारा जाट भाई तो भगवा कपड़ा देखने के बाद तो एकदम से प्रणाम करता है। नहीं जब वो मंदिर में रहते हैं जब वहाँ तो मुख्यमंत्री है तो क्यों नहीं बने? वहाँ भगवा कपड़ा, खुद सन्यासी ही राजा बन जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो सबसे आदर्श बात है। नहीं हम काम नहीं कर रहे, बढ़ तो रहे वे भाई, योगी जी बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो मसले होंगे वे तो समाधान उनको ही करना होगा मुख्यमंत्री जी को। क्योंकि मैंने तय किया था कि हम एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू करेंगे जिसका ये पहला एपिसोड है। अब हम आपने जो जो बातें उठाई हम सरकार के पास लेके जाएंगे, सरकार का पक्ष आप स्क्रीन पर आंकड़ों में भी चलाएंगे, कुछ वीडियो में भी लाएंगे, और हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करें जिसमें जैसे आपने कहा कि हम मध्यस्थता करें, तो हम सरकार और आपको एक मंच पे लाके इसका समाधान कर देते हैं। नहीं नहीं कर दो समाधान, हमारे जो मसले हैं कर वो ना,
क्या 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद होना चाहिए देश? नहीं होना चाहिए। इंजन बंद कर दिया? नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी कहा नहीं होना चाहिए। और सरकार ने पॉलिसी लाई ना। देखिए ये क्या, ये अफवाहों की बात? नहीं नहीं, अफवाह नहीं। अच्छा मैं करवाता हूँ, ये ट्रैक्टर है और आप उसको ट्रांसफर करवा दो किसी के नाम, देखो हो जाएगा 10 साल पुराना ट्रैक्टर। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है ना, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कानून बनाएंगे ना। कानून अगर कुछ गलत तो है, देखिए, लेकिन उसके लिए सब कुछ बंद ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सरकार बनने की कैसे, वो रास्ता हमको बता दो कि सरकार कौन सी प्यार की भाषा हम सरकार को बतावे कि वो मान जाए, हम प्यार से तो बात जैसे, जैसे मेरे से करे ऐसी बात ऐसे तो करते हैं आप, तो सरकार के सामने देखा ये जो कैसे दीवार उन्होंने बना दी, कटिले तारों की दीवार है वो भी देख दो एक बार जरा। नहीं, आपके कंधे पर कोई देशद्रोही गद्दार इस देश के दुश्मन कैसे कोई देश की तरह ना करे, देश की करते हैं ना, नहीं घुसते नहीं क्या लोग आंदोलनों में? आंदोलनों में घुसते नहीं? घुसेगा तो उसकी जिम्मेदारी है, घुसेगा तो उसका इलाज भी है। हमारे बीच में कोई घुसेगा तो इलाज करेंगे ना उसका भी। हाँ, लेकिन नहीं करते ना। नहीं नहीं, कुछ खलिस्तान के नारे लगे, खलिस्तानवादी आपके मंच पे आ गए, कहाँ नहीं आने चाहिए ना। पकड़ो कौन है? खालिस्तानी का शब्द किसने दिया? ये आपका काम नहीं क्या? खालिस्तानी शब्द दिया है सरकार ने, पाकिस्तानी शब्द सरदार सरकार ने दिया। क्या सरदार कौम अगर है तो खालिस्तानी है? नहीं, क्या, सवाल ही नहीं। क्या मुस्लिम है तो कुछ परसेंट खालिस्तानी हो सकते हैं। कहा कि जो सरदार तो इस देश की शान है, मान है, सम्मान है, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस दिन देश को 2014 में 2007 में गेहूं की जरूरत थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बड़े टिकैत साहब को बुलवाया, उनके साथ में दो लोग और थे पंजाब से भी, हम अजमेर सिंह लाखोवाल थे, युद्धवीर सिंह थे। उन्होंने कहा कि देश में गेहूं की कमी है, बाहर से गेहूं मंगा रहे हैं। वो करीब 70 मिनट की मुलाकात हुई और आज 14 साल हो गए देश में 1 किलो भी गेहूं बाहर से नहीं आया। उन्होंने पॉलिसी बनाई उस पर। भारत सरकार को चाहिए के चमकीली कोठियों में बैठ के पॉलिसी नहीं बनती जब तक आप ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास में नहीं होगी। आप कोई पॉलिसी नहीं आप दीजिए ना, हम देते हैं। देखिए अब ये चमकीली कोठी है ना, ये लगाने की क्या जरूरत है? क्या लगाए आज तक जिसने भी ये चमकीली कोठी बात की ना, वो उसमें जाके और चमक गया। नहीं, मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था हम सरकारी कोठी नहीं लेंगे, बाद में ले ली। वो तो ये जो आपका तंज है, ये तंज के कारण लोगों को लगता है कि आपके इरादे पे शक होता है। नहीं नहीं, नहीं। हमारा तंज मारे भाई, हमारे प्रधानमंत्री की कोठी क्यों ना चमके? मैं कहता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति से अच्छा बढ़ने तो लग रहा, हमारा हमारा क्यों ना हो? नहीं बढ़ने तो लग रहा, तो हो ना क्यों ना हो? गांव की मिट्टी भी लग जाए ना, क्यों ना हो? क्या दिक्कत? बिल्कुल लगनी चाहिए। गाँव लोग कहते टिकैत जी के पास सैकड़ों करोड़ रूपए, मैं कहता हूँ क्यों ना हो? मेरे पास होने चाहिए, लाखों करोड़ रुपया है। मैं कहता हूँ गाँव के किसान, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान का हर किसान टिकट मजबूत हो, अमीर होना चाहिए, मजबूत होना, क्यों नुकसान है उसमें? तो तंज ये, मत कसिए, ये किसान को चाहते हैं कि किसान तो फटे हाल में रहे, तंज मत कसिए। मेरा कहना है कि आपका फॉर्मूला जो आपने चावल वाला फॉर्मूला दिया, क्यों नहीं हम धान वाला फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूले को सरकार को देते? सरकार मतलब कौन है? हम ही तो है, आप और हम ही हैं, तो क्यों नहीं हम फॉर्मूला? देखो सरकार जब बैठ के बातचीत करेगी तो उसके मसलों का समाधान होगा। क्या ये बात किस्तों में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, एक एक, एक 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 मुद्दे पे हो सकती हमने है। हमने कहा उनको सरकार को, हाँ सरकार को कहा है, हाँ। कि तीन कानून पर नहीं बात हो रही तो आप MSP पे बात कर लो। हाँ तो वो करेगा नहीं, पहले तीन कानून पर बात होगी जब MSP पे होगी। अच्छा अभी इस इंटरव्यू से आप, क्योंकि हम इसलिए अंदर आ गए कि थोड़ा हमारा कैमरा मैन दिखवाए, ये देखिए भाई यह पूरा गांव बन गया है और इसको किसान क्रांति गेट कहते हैं, जो कि यूपी और 2018 में यहाँ पे ही संघर्ष हुआ था पहला, ये वही गेट है 2018 में। तो इसलिए हम अंदर आके आपके साथ बात करेंगे लोगों को, थोड़ा थोड़ा चलिए थोड़ा उधर तक जाएंगे, जरा दिखाइए ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का भी फोटो दिखाइए भाई, ये देखिए ये सबसे बड़े नेता थे आप, इनके भाई है नरेश जी। थोड़ा लोग ऐसा कहते हैं कि नरेश जी BJP के प्रति सॉफ्ट है आपके तुलना में। नहीं सरकार अगर काम करेगी हम सॉफ्ट, आज भी है लोगों ने मुझे कहा कि आप राकेश टिकैत जी का इंटरव्यू के बजाय नरेश जी का लीजिए। नहीं नहीं, हमारा ये है कि सरकार अगर कोई भी, क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है ऐसा लोग कहते हैं। नहीं नहीं, हम भी राजनीतिक नहीं है, सब एक ही हैं। सरकार काम करे ठीक, हमें किसी सरकार से किसी पार्टी से नहीं है, हमें वो नहीं है। हमने तो बार बार कहा कि अगर BJP की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती। उनके जो बड़े नेता है ये कहाँ है आजकल?
उनका भी एक इंटरनल मैटर है ना, हमको क्या फर्क पड़ता है? देखिए क्यों नहीं फर्क पड़ता, पार्टी आडवाणी चला है, मोदी चला है, अमित शाह चला है, हमको क्या मतलब है? वे हमारे बीच में आते थे, ठीक है, उन्होंने हमसे वादा किया था। आप बीजेपी के सदस्य हैं? मैं एक आगे जब है क्या, एक मिनट आप है ना, मैं भी नहीं हूँ, तो उनका मुखिया कौन हो वो बीजेपी वाले चिंता करें ना, हम क्यों करें? जब विपक्ष में थे तो हमारे बीच में आते थे वे, प्लेटफॉर्म पर हमारे, हाँ वे हमसे वादा करके गए थे, ठीक है, हमने तो हर प्लेटफॉर्म पे आपको लिया है, नहीं लिया है हमने कहा। देखिए मोदी सरकार चार साल के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा प्रश्न बीजेपी के सबसे बड़े मंत्री को आपने पूछे थे, ताज होटल में, आपको याद होगा, तो हम तो है ही, और हमारी इसमें भी कोई आपत्ति नहीं कि आप फाइव स्टार होटल में लोग फोटो निकालते हैं कि राकेश टिकैत जी फाइव स्टार होटल में बैठ गए, मैं कह रहा हूँ कि राजाराम मिल का घर है वो, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ताज होटल में फाइव स्टार होटल में जाए, इसमें क्या नुकसान है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और आप भी क्यों संकोच कर रहे हैं? जो जहाँ रुकाएगा हम वहीं जाएंगे। हाँ तो इसमें कोई आप क्यों डिफेंस में आ जाते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं, आप स्वीकार करिए ना, मेरा फोटो है, मत कहिए फोटोशॉप है, नहीं ना ना, ये फोटोशॉप नहीं, ओरिजिनल फोटो है, ये लिखा हमने फोटोशॉप है, हमने कहा कि हमारा फोटो है, जयपुर का है, राजा राम मीर का घर था वो, वहाँ का है वो। तो कुल मिला के आज के इंटरव्यू में समापन हम इस पे कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए जी, बिल्कुल, फॉर्मूले देने चाहिए बिल्कुल, और जो फॉर्मूले दिए जाएंगे उसके चर्चा में अपना कोई ईगो नहीं होना चाहिए, ना ना कोई नहीं, ना सरकार का होना चाहिए। अरे भाई हमने ये कहा है कि आप जो मंत्री वहां पाते हैं आप उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेजो, फैसला हो जाएगा। अच्छा अगर मंत्रियों के नाम बदल दे? नहीं नाम बदलने से नहीं, आपको उनमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, तोमर जी तो अच्छे आदमी है, बिल्कुल ठीक आदमी, अगर उनको ये कह देंगे तोमर जी आपको ये मामला निपटाना है तो तोमर जी निपटा देंगे इसको, अगर उनको पावर दे दो। अब उनके भी हाथ में कुछ है नहीं, हाथ सबके बांध रखे उन्होंने, तो अच्छा है ना, ऐसा पीएम चाहिए, तो किसी को नहीं छोड़ रहा है, किसी को गलत काम भी करेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, तो गलत करते ही नहीं, नहीं मतलब अच्छा है ना, अगर ऐसा है तो क्या नुकसान है? ठीक है, मुझे क्या लगता है नॉन इशू को इशू ना बनाए, बीजेपी का अध्यक्ष कौन, हमें क्या फर्क पड़ता है उनका नेता कौन, हमें अपना काम होना चाहिए। हमारे पास में आते थे वे पहले जब विपक्ष में थे, अच्छी अच्छी बात करते थे, ऑर्गेनिक पे बात करते थे, सब चीजों पे बात करते थे, जब उनकी सरकार आ गई गायब हो गया, हम उनको तलाश कर रहे हैं कि बिल्कुल, अभी हम आपके साथ इन सारे मुद्दों को सरकार से काम करवाएंगे, काम आप उसमें बगैर राजनीति बगैर ईगो किसी दूसरे के वो नहीं करेंगे, ना ना कोई हमारा ईगो नहीं, आप ये अभी इस कैमरे पे वचन दे रहे हैं, हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा ये है कि हमारे फसलों के दाम भी नहीं, सरकार जो हमारे मसले हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के बातचीत करें। और कार्यक्रम के आखिर में जिसपे हमारी बड़ी चर्चा हुई, अब अल्लाह अकबर के बजाय जय अल्लाह, ये संविधान में जो हमको राइट दे रखे हैं वो नारा वो लगा, अब हिंदू को नाराज कर रहे हैं ना, हिंदू क्यों नाराज होगा हमारे से? फिर महादेव छोटा हो जाता है, महादेव छोटा हो ही नहीं सकता, महादेव तो क्या फर्क पड़ता है? यही गड़बड़ी, जब आपको पता नहीं था आपने बोला छोड़, लेकिन आज पता चला कि अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, आपको आज पता चला? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तो फिर आप बदल करने में क्या हर्ज है? महादेव सर्वश्रेष्ठ है, अल्लाह अकबर में बदल करने में क्या हर्ज है? पूछेंगे क्या है इसमें? नहीं नहीं, महादेव तो सर्वश्रेष्ठ है, महादेव क्या हर्ज है ऐसा कहने में? नहीं नहीं क्यों नहीं, जब सर्वश्रेष्ठ महादेव है तो हर्ज क्यों नहीं है? चलिए आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं महादेव, महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है, चलिए हर 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 बस अल्लाह अकबर नहीं चलेगा, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा ये नारे मुसलमान लगा नहीं रहे ना, मुसलमान कहाँ हर हर महादेव कह रहा है? एक मिनट, कोई मुसलमान है यहाँ पर? कोई मुसलमान है? जाट तो हिंदू है ना, हाँ मेरा नाम चौधरी साहिद वाले नहर, मुझे भंडारगर से हूँ, और ये राम के वंशज है, और आपको मेरा नाम, अच्छा आप राम के वंशज हैं? मेरा नाम, तो आप जय श्री राम कहते हैं? राम राम कहते हैं? हर हर महादेव। मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मुस्लिम जाट हूँ,
और राम जी का बिल्कुल पक्का अनुयायी हूँ और रघुवंशी हूँ। अच्छा एक मिनट, बड़ा अच्छा हो गया कि यहाँ कोई मुसलमान चाहिए तो एक मिनट, ये तो भाई ये रघुवंशी है, राम के वंशज है, ये बहुत अच्छी बात कही, सारे मुसलमान ऐसा कहे तो समस्या का समाधान हो जाए। एक मिनट, मुझे अल्लाह अकबर में दिक्कत है, क्योंकि राम है की तो है वो, देखिए ऐसा है, भगवान खुदा राम। अच्छा एक मिनट, ठीक है जी, एक मिनट, इतनी अच्छी चर्चा हुई है, इनको ही पूछ लेते, अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, यही तो होता है ना, यही होता है, तो क्यों ऐसा हो? अल्लाह भगवान से बड़ा है क्या कोई? भगवान से बड़ा है क्या कोई? तो आप ये कहिए ना कि महादेव, आप जब देखिए भाई, ये अपने ही लोग है ना, चलिए आप ये राम के वंशज मानने वाले, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ होता है, तो फिर महादेव क्यों? अच्छा एक मिनट, जो जिस जाति में है उसको लगता है कि ये जाति मेरे सबसे उच्च है। हमने ये कहा कि गांव के लोगों को, जो लोग गांव में खेती करते हैं, शहर के लोग जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, अगर गांव का आदमी हाथ के मिट्टी लगी चल जाए तो वो सब उसके लिए कहले गाँव का आदमी से भाई बगल को करो, नहीं नहीं उम्र का ऐसा जो कहेगा वो गद्दार है। तो जो देखिए किसान जो का सम्मान सर्वश्रेष्ठ, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा सिर्फ एक मुद्दा है, हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि किसी एक को बड़ा क्यों कहें। दूसरा ये किसान आंदोलन, इसमें धार्मिक नारे लगाए क्यों? बढ़िया मीटिंग हुई, आप अपना इस मामले को निपटाओ, अगर सरकार आपकी बात माने तो आप तैयार है कि हम मध्यस्थता करें? हम ये कह रहे हैं कि कंडीशनल सरकार क्या है कि कंडीशनल बात करना चाहती है, कंडीशनल बात ना किसान झुक कर जाएगा ना बात करेगा, बिल्कुल जो भी बात होगी मकान के अंदर करो बात, पहले ही पर्चा लीक करेगा तो पर्चा आउट हो जाता है, नहीं होना चाहिए, जो भी बात करनी सरकार तो आज हम इस मुद्दे पर समापन करते हैं कि सुदर्शन एक पहल करेगा और सरकार और किसान एक मंच पर आए, जिन बातों पर सहमति हो सकती है बगैर ईगो की हो, और किसान की बात मानी जाए, और किसान हित में निर्णय हो, बिल्कुल किसी नेता के हट पे निर्णय नहीं हो, कोई पीछे पड़ने के पीछे ना हो, ना उधर से हो ना इधर से, आमने सामने हो, आमने सामने। तो जय जवान, अमीर जवान है, अमीर जवान। एक मिनट, राकेश टिकैत, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, आप थोड़े आपके आपके समर्थ किसान है, नहीं नहीं हम भी है ना, हम भी जवान भाई, देश के नौजवानों का नारा लगना चाहिए, हाँ बिल्कुल लगना चाहिए, इनकी भी तनख्वाह कम है, बिल्कुल बिल्कुल सबका लगना चाहिए, बराबर बिल्कुल बिल्कुल, पैरामिलिट्री की भी जो तनख्वाह है और पुलिस की, वो भी आर्मी के बराबर है, हमारी मांग है, बिल्कुल। सुदर्शन तो इन मुद्दे में, आप जानते हैं कि सुदर्शन पे रोज रात को 8 बजे मैं आकर ये कहता हूँ कि खाने के पहले किसान को याद करो, नहीं नहीं बिल्कुल, आपने कुछ देना नहीं है उसको, बस याद करो, उसको अच्छा लगेगा, और रात को 10 बजे आकर मैं कहता हूँ कि सोने के पहले जवान को याद करो, उसको अच्छा लगेगा और आपकी चैन की नींद सोएंगे। तो हमने सोचा कि जब इतने सारी बातें हो रही तो क्यों पीछे रहे, हम भी चर्चा में आए, आपका धन्यवाद, आप 10 महीने में ये आप तो आते रहो, हमारी टीम आती थी, हमारी टीम आती थी कि नहीं? नहीं नहीं आती आती सब आते, दूध भी आओ, सबके साथ फोटो भी खींचेंगे, आप भी धन्यवाद करिए, हम भी धन्यवाद करते हैं सब लोगों का, सभी का धन्यवाद, अच्छी एक बहस हुई और ये बहस पूरे देश में जानी चाहिए, एक सकारात्मक बहस ये हुई और आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आपकी समस्त टीम को और समस्त पत्रकार बंधु को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अभी अभी हम कहीं पर भी जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं ना तो किसी के यहाँ पानी नहीं पीते, हमारा सिद्धांत है, जिसके इंटरव्यू ले जाते हैं, लेकिन आज हम आपके यहाँ दूध पी के जाएंगे, ये हमारा थोड़ा है, चलिए। विकास की रीत सब कीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए पूरी